आप देख रहे हैं इन24 टीवी खबर पल पल की। प्रेस क्लब वाराणसी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष अंशुल शर्मा, सचिव एसएम अरशद, निदेशक दिव्य नौटियाल एवं उमर जावेद कमाल उपस्थित रहे। क्रिकेट के केंद्रीय व राज्य स्तर पर पूर्वांचल क्षेत्र के खिलाड़ियों की वर्षों से हो रही अनदेखी को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यशैली पर अपनी आपत्ति जताई गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर देखा जाए तो यह बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है। पूर्वांचल देश दुनिया में अपनी प्रतिभा की छाप हमेशा छोड़ता रहता है और आगे भी चला ही आ रहा है। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर पिछड़ा कहे जाने वाले पूर्वांचल खेल की दुनिया में समय समय पर अपनी महारत हासिल करता रहा है, लेकिन क्रिकेट खेल को लेकर इस क्षेत्र में हमेशा से तिरस्कार मिलता चला जा रहा है। क्रिकेट खिलाड़ियों को केंद्रीय स्तर पर उभारने का कार्य की जिम्मेदारी निभाने वाले उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन ने कभी भी पूर्वांचल के खिलाड़ियों को तवज्जो से नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ, फिर वो भी ऑर्डर हमारे पास है। तो हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि इनको एक माह के अंदर रिप्रेजेंटेशन इनका फाइनल करें। हमारी बातचीत रेगुलर उनसे चल रही है, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की यही डिमांड है कि भाई हम लोगों को जल्द से जल्द। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं? आप मैं एज अ प्रेसिडेंट हूँ। जरा अपना नंबर दीजिए, आप हमारी वार्ता। जो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम में जो अनाउंस किया, चाहे 19 की हो, चाहे 25 की हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे मुश्ताक अली की हो, उसमें आप देखिए पूर्वांचल के खिलाड़ियों की भागीदारी ना के बराबर है, ना के बराबर है। गोंडा है, बस्ती है, बलिया है, बहराइच है, श्रावस्ती है, टमनैरगंज है, आपका चंदौली है, बनारस है, गाजीपुर, उसके खिलाड़ी नहीं के बराबर है। आपके पहले के टाइम था जो आपके यूपी के चाहे मृत्युंजय त्रिपाठी रहे हो, चाहे सुनील सिंह राणा रहे हो, चाहे नासिर अली रहे हो, ये पहले के वक्त में खेले। इधर आप 2-4-5 सालों से उठा करके रिकॉर्ड देखिए, पूर्वांचल के खिलाड़ियों को एकदम मौका नहीं मिल रहा हमारे उत्तर प्रदेश की क्रिकेट में। और सीधे था हम लोगों का कहने का मतलब है, जब हमारे देश में गुजरात में 3 क्रिकेट एसोसिएशन है और गुजरात की पॉपुलेशन 8 करोड़ की है, उस 8 करोड़ में 3 क्रिकेट की टीमें खेलती हैं। गुजरात खेलती है, बड़ौदा खेलती है और सौराष्ट्र खेलती है। हमारे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 11 करोड़ 70 लाख की है, उन 11 करोड़ 70 लाख में भी 3 टीमें खेलती हैं, मुंबई खेलती है, सौराष्ट्र खेलती है और विदर्भ खेलती है। मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ 3 टीमें खेलती हैं। आपके चले जाइए आंध्र प्रदेश भी खेलती है, हैदराबाद भी खेलती है, हैदराबाद एक शहर ही है। आप पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन का एस एम अरशद, मेरे बगल में बैठे हैं डायरेक्टर उमर जावेद कमाल, उसके बगल में हमारे अंशु शर्मा जी अध्यक्ष बैठे हुए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के, और उसके बगल में हमारे दिव्य नौटियाल जी भी निदेशक हैं पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के। हम लोग पिछले 15 सालों से पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे BCCI से, जो कि 2021 में हाईकोर्ट ने BCCI को ये आदेशित किया कि पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की समस्या को जल्द से जल्द मतलब निस्तारण करते हुए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन को भी मान्यता दी जाए। 1 महीने का उनको समय दिया गया है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं को सुन करके के समाधान करें। हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है BCCI के साथ में कि उनको मान्यता दी जाए। अभी हमारी वर्चुअल उनके साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद हमारी फिजिकल भी उनके साथ में मीटिंग जल्द से जल्द होगी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला सत्र जो वर्ष 2022 का है उसे पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI द्वारा मान्यता मिलेगी। जिस तरीके से अन्य राज्यों की टीमें रणजी ट्रॉफी में, 19 में, 25 में, 16, 19 में खेलती, उसी तरीके से मेरे पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की भी टीम खेलेगी। पूर्वांचल बहुत बड़ा जनपद है, कम से कम 14 करोड़ की आबादी हमारे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश की कम से कम 24 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एकमात्र क्रिकेट संस्था है जहाँ से सारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पाता है, और पूर्वांचल के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित हैं, उनको उनकी भागीदारी ना के बराबर है। तो उनके न्याय के लिए हम लोग न्यायालय की शरण में गए, जहाँ से न्यायालय ने BCCI को ये आदेशित किया है कि जब जल्द पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता बहाल किया जाए और वहाँ के भी खिलाड़ियों को खेलने के लिए मौका दिया जाए।